अगर आपको COVID-19 हो चुका है या COVID-19 से आप ठीक हो चुके हैं तो आपके शरीर में ज़रूर आपको कमज़ोरी है, वो परेशान कर रही होगी। तो यह वीडियो आपके लिए है दोस्तों कि कमज़ोरी को कैसे दूर किया जा सकता है। बने रहिए हमारे साथ, मैं हूं राजेश कुमार, स्वागत करता हूं हमारे SMT क्लिनिक चैनल के ऊपर। दोस्तों, कमज़ोरी को दूर करने के वैसे तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि COVID-19 के बाद में अगर आपको कमज़ोरी हुई है तो हमें कुछ ऐसे फ्रूट्स इनटेक करने हैं जो हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेंगे और हमारी कमज़ोरी को भी दूर करेंगे। शरीर में सबसे ज़रूरी आवश्यक है कि आप जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनका यूज़ करें, उनसे आपको ज़रूरी जितने भी विटामिन्स हैं वो मिलेंगे, साथ में आपको फाइबर मिलेगा। तो जितना ज़्यादा हो सकता है हमें ग्रीन वेजिटेबल का यूज़ करना है। दूसरा, उनका आप जूस भी पी सकते हैं, लेकिन जूस में आपको इतना फाइबर नहीं मिलेगा जितना आप उनको डायरेक्ट रो फॉर्म में आप उनको इनटेक करेंगे। इसके साथ में मैं कुछ चीज़ें और, जैसे कि आप फल की अगर मैं बात करूँ तो आप अनार ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं और पपीता है, इनको भी यूज आप कर सकते हैं। फल के साथ साथ में आप इनका जूस है वो भी ले सकते हैं, ये कमज़ोरी से छुटकारा पाने में आपकी मदद करेगा। रात को सोने से पहले दूध का ज़रूर यूज़ करना है, चाहे तो आप इसमें हल्दी है उसको भी डाल सकते हैं। दूध हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है और साथ में जो हमें कमज़ोरी है उसको भी दूर करने में हमारी हेल्प करता है। सब्जियों की अगर मैं और बात करूँ तो साथ में आप पालक, गाजर, टमाटर, चकुंदर, इनका भी रस ले सकते हैं। इनमें भरपूर मात्रा में आपको विटामिन भी मिलेंगे, खनिज भी मिलेगा, जो आपको कमज़ोरी को दूर करने में बहुत हेल्प करेगा। डाइट में हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी फॉलो करनी हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा भी हो, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी ज़्यादा हो। एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, जो भी हमें खाना लेना है वो ऐसी फॉर्म में लेना है कि उसको हम लोग ईजिली डाइजेस्ट कर सकें। अगर हम लोग खाने को ईजिली डाइजेस्ट कर पाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, हमारी कमज़ोरी भी दूर होगी। और अगर हम लोग ऐसा खाना लेंगे जो ईजिली डाइजेस्ट नहीं होता तो वो फिर हमें और ज़्यादा कमज़ोर कर देगा, क्योंकि हमारा शरीर ऑलरेडी कमज़ोर है और उस समय अगर हम लोग ऐसे फूड का इनटेक करेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगा। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। कुछ कॉमन चीज़ें और भी ध्यान रखनी है, आपकी नींद है वो पूरी होनी चाहिए और कम से कम एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी है उसका यूज़ करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि पानी सिर्फ हम लोग डायरेक्ट पानी के फॉर्म में ले, आप जूस भी ले सकते हैं, आप जो वाटर रिच जितने भी फूड हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं उनका यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और कमज़ोरी भी लगती है तो आप नींबू पानी है उसका भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को PDF के फॉर्म में चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इसके ऊपर आप मैसेज कीजिए अपना नाम और आपको कौन सा डाइट प्लान चाहिए उसके लिए, नहीं तो डायरेक्ट आप हमें कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके ये PDF है वो ले सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी है वीडियो? अगर हेल्पफुल लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली मेम्बर के साथ में ज़रूर यू ऐड करें इसको ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस डाइट प्लान को फॉलो कर पाएँ। थैंक यू।